खैरपुर में बुजुर्ग सियासतदान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। जीडीए की जानिब से NA-202 पर बुजुर्ग सियासतदान गौस अली शाह जबकि PS-26 पर बुजुर्ग सियासतदान सैयद कायम अली शाह पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों वजीर आला सिंध के मनसब पर फायज रह चुके हैं और दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं। देखना यह है कि आवाम किसको मुंतखब करते हैं। एक जानब वोटर्स उनके कामों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं तो दूसरी जानब बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हमारा जो बच्चों का मुस्तकबिल अभी खैरपुर में ही है, उनकी पढ़ाई के जो भी जितने भी इदारे हैं वो खैरपुर में है। मैं तो समझता हूँ कि साईं कायम अली शाह खैरपुर में जीते हुए हैं, उनको इलेक्शन में वर्क करने की जरूरत नहीं है। तबाह करके रखा हुआ है। हमारे यहाँ ना पानी की सहूलत है ना बिजली की सहूलत है। 15 सालों तक आखिरकार इन्होंने दिया क्या है हमको? म्यूनसिपल का निज़ाम है बिल्कुल, पता है बिल्कुल, ये तबाहशुदा है। इधर कोई काम नहीं है, नहीं कोई सफाई सुथराई है, नहीं ऐसा कोई है। बुनियादी मसाल ये है कि ये जो रोड रास्ते हैं देखो, आज बना के जा रहे हैं, कल कोई बारिश हो रही है तो वो खड्डे हो रहे हैं, ठीक है, और पीने का पानी साफ नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी के कई बार जीतने के बाद भी पीने का साफ पानी नहीं मिलता।